ओके चलिए क्वेश्चन करते हैं जो आपने हमसे पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 5 क्यूब आपके पास रखे हुए हैं, ऐसे कुछ 5 क्यूब बैक टू बैक रखे हुए हैं, पहला क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब और ये पांचवा क्यूब। ओके मैंने केवल आपको क्यूब के सामने का हिस्सा दिखाया, पीछे का हिस्सा नहीं दिखाया। पीछे का हिस्सा कुछ ऐसा होगा, आप समझ पा रहे होंगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा ना पीछे का भी हिस्सा, तो ऐसे ये क्यूब्स होंगे, ठीक है, ये रखे हुए हैं। अब 5 क्यूब हैं, हर क्यूब की साइड है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 है, तो ऐसे 5 टाइम्स तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 फाइव ज़ा, बट ब्रेथ तो चेंज नहीं होगी ना, आप पासे को रखते जाओगे तो ब्रेथ 6 ही रहेगी, और हाइट भी कितनी रहेगी, तो 6 सेंटीमीटर हाइट भी रहेगी। तो अपन को क्या निकालना है इसका, अपन इसको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो अपने पास जो क्यूबॉइड बन के आया उसकी लेंथ हो गई 30, ब्रेथ हो गई 6 और हाइट कितनी हो गई 6। ओके नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू 2 टाइम्स एल बी, ओके एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है ना, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 टाइम्स ऑफ हर फेसेस को आपको डबल करना पड़ता है, क्लियर हुआ ना, है ना, ये अपने पास क्यूबॉइड का एरिया आता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ओके 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, तो चलिए 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितनी है अपने पास 30, 30 इंटू ब्रेथ कितनी है 6 है, बाकी सब तो 6 है, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, और ये L, L कितना है 30 और हाइट कितनी है 6, तो आंसर 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई करिए 36 ज़ा 180 प्लस 36 प्लस 36 ज़ा 180, तो 180 प्लस 180 2 टाइम्स 180 प्लस 180 इक्वल टू 360, ये 180 180 प्लस 36, तो 2 टाइम्स 36 अकेला क्यों लिखा है ना, क्योंकि बी तो 6 है ना, ब्रेथ कितनी है 6 और हाइट भी कितनी है 6, तो 6 इंटू 6 36, क्लियर हुआ, इसको आप सॉल्व कर लोगे आप लोग खुद से। देखिए मैं सॉल्व किया, मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, अब देखते हैं पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 इंटू 360 प्लस 36 6 9 396, 2 6 जा 12 कैरी आउट कितना आया 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 कैरी आउट 1, 3 3 जा 6 प्लस 1 7, चेक करिए आंसर 792। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स, एक सॉलिड बॉल को एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली फिट किया गया है। ये मान लीजिए आपके पास एक कार्टून है, क्यूबिकल कार्टून है, और उसकी साइड है ए, कितनी साइड है ए साइड है, कुछ ऐसा दिखेगा आपका क्यूबिकल बॉक्स, दिखेगा नहीं दिखेगा, साइड ए दी है ना, अब क्या दिक्कत है, हाँ बता रहा हूँ। अब इसके अंदर आपने एक बॉल पैक कर दी ठूस करके एकदम अच्छे से, पूरा फुल्ली पैक हो गई बॉल, ओके ये बॉल भरी हुई इसके अंदर, तो भाई बॉल भरेगी तो ये सब चीज़ें तो बच जाएंगी ना, वॉल्यूम, ये जगह बचेगी कि नहीं बचेगी, थोड़ी सी जगह नीचे बचेगी, मतलब अगर आप सामने से देखो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ये आपके पास सामने का हिस्सा है, मान लो कांच लगा हुआ है आपके पास, वो जो बॉक्स कांच का है और आप कांच के अंदर बॉक्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये वाला देखो ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, अगर आप बॉल भरे हुए तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा सामने से, हाँ या ना, सामने अगर कांच लगा हुआ है सामने में तो ऐसा दिखाई देगा। तो आपको कह रहा है कि ये बताइए कि यहाँ पर जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो कितना होगा, तो वेरी सिंपल, क्यूब ने जितना वॉल्यूम लिया टोटल वो वाला वॉल्यूम माइनस फुटबॉल का वॉल्यूम, बोलो हाँ या ना, तो क्यूब का वॉल्यूम माइनस फुटबॉल का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम तो बच्चे आराम से पता कर लेंगे, दैट इज़ ए क्यूब, क्यों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज़ इक्वल टू ए क्यूब, ये हो गया क्यूब का वॉल्यूम। और अब फुटबॉल का वॉल्यूम पता करना है, तो देखो आप फुटबॉल का डायमीटर देखो क्या होगा, डायमीटर फुटबॉल पूरे में भरी हुई ना, तो जो क्यूब की साइड होगी वो फुटबॉल के साइड फुटबॉल के डायमीटर के इक्वल होगी, तो ये भी क्या होगा ए, तो रेडियस क्या हो गई ए बाई
टू, क्लियर हुआ? रेडियस कितनी होगी ए बाई टू। तो अब फुटबॉल का वॉल्यूम निकाल लो, फुटबॉल है क्या, स्फीयर है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, फोर बाई थ्री पाई आर का क्यूब, आर कितना है ए बाई टू का होल क्यूब, हाँ या ना। ये आ गया फुटबॉल का वॉल्यूम, फोर बाई थ्री पाई मतलब 22 अपॉन 7 इंटू ए क्यूब अपॉन कितना, 2 का क्यूब क्या होता है 8। चलो काटो, दो से काटो इसको, कितने बार, चार बार जाएगा ये, दो से 11 बार, चार से कितने बार, चार बार। तो अपने पास क्या आ गया, 11 अपॉन 3 7 जा 21 ए क्यूब आ गया भाई। अब अपन को निकालना है रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचेगा, रिमेनिंग वॉल्यूम इसको सॉल्व करके अपने पास आ गया 11 अपॉन 27 ए क्यूब। अब अपन को पता करना है रिमेनिंग वॉल्यूम, तो रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल टू, रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना निकला है 11 अपॉन 21 ए क्यूब, समझ में आ रहा है? अब इसको माइनस कर दो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 21 ए क्यूब, क्यों हो जाएगा, इसके नीचे 1 है इसलिए हो जाएगा माइनस 11 ए क्यूब अपॉन कितना 21। 21 में से 11 गए, 21 ए क्यूब में से 11 ए क्यूब गए, कितना बचा 10 ए क्यूब अपॉन 21। सो योर फाइनल आंसर विल बी 10 अपॉन 21 ए क्यूब, चेक करिए आंसर 10 बाई 21 ए क्यूब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज What will be the approximate volume of the largest circular cone that can be cut out from a cube of age 4.2 centimeter? ये आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब की एजेस क्या है 4.2 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ भी 4.2 है, ब्रेथ भी 4.2 है। आप एक कारपेंटर के पास गए और आपने बोला भैया ये मेरे पास एक कोन है, पहले कोन मैं सॉरी क्यूब बना लेता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये क्यूब है मेरे पास, आप इसको घिस घिस करके, इसको कट कट करके इसके अंदर एक कोन बना दो, क्या बना दो कोन, तो कोन क्या करेगा यहाँ से उठाएगा है ना, और इसको पूरे को घिसते 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 कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनेगी इसके अंदर, ऐसा, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना, है ना। मतलब ये जो कोन की हाइट रहेगी, जो क्यूब की हाइट के बराबर हो जाएगी, कोन की हाइट भाई, ये आपके पास इतने में कोन बना है इतनी सी जगह में, समझ गए, तो कोन की हाइट क्यूब की हाइट के इक्वल होगी, बोलो यस। और कोन का जो बेस होगा वो क्यूब के बेस के क्या होगा, इक्वल की नॉट इक्वल, इक्वल। तो कोन की हाइट कितनी हो गई, इसमें कोन की हाइट दी गई है 4.2 सेंटीमीटर, तो कोन की हाइट भी हो गई 4.2, और कोन का बेस भी कितना हो गया 4.2। तो चलो भाई है ना, क्यूब की लेंथ जो होगी वो उसका बेस बन जाएगी, नहीं आया समझ में? आप सामने से क्यूब को देखोगे तो कैसा दिखेगा, सामने का क्यूब आपका ऐसा दिखेगा, बोलो हाँ, कांच से देखोगे, अब इसके अंदर एक कोन बैठा हुआ है, सर्कुलर होगा तो डायमीटर तो उसका वो होगा ना, डायमीटर तो लेंथ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ बचने दो उसको, वो बचने दो, बट उनका कहना आप हमें कोन का वॉल्यूम बताओ, तो कोन कहाँ से शुरू होगा, टॉप टू बॉटम, और नीचे जो बेस बनेगा वो बेस का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, कोन की साइड होगी कि नहीं होगी, हाँ है ना। तो कोन का जो रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा, 4.2 का हाफ होल स्क्वायर हाफ बनेगा, दैट इज इक्वल टू 2.1। अब ये कह रहा है कि तो ये जो कोन बन रहा है जिसकी हाइट है 4.2, आप इसका वॉल्यूम फाइंड करो, क्या फाइंड करो वॉल्यूम, तो वेरी सिंपल, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बोलो होता है कि नहीं होता, होता है ना, 1/3 पाई मतलब 22 अपॉन 7 आर का स्क्वायर, मतलब इसकी रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी आई है 2.1, तो 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है, एच हाइट 4.2, क्लियर हुआ, हाइट कितनी है 4.2। सॉल्व कर लीजिए, अब तो कुछ नहीं बचा, इसको ब्रेक कर दो 10, इसको ब्रेक कर दो 10, इसको ब्रेक कर दो 10,
अब मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लेंगे, 3 से 7 बार जाएगा 21, 7 से 7 बार कैंसिल हो गया वन टाइम, कितना बचा 22 × 21 × 42 / 1000 बच गया, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके 3 डेसिमल लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर 2.1 × 2.1 × 2.1 ब्रेक किया तो 1 डेसिमल की जगह 1 और 0 इसके प्लेस पे 0, डेसिमल की प्लेस पे 1 फिर यहाँ पे 0, ओके। यानी 21 upon 10 हाइट कितनी है 4.2, तो 4.2 अपॉन कर दिया 42 upon 10। अब सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे 22, यस इसको देखिए 3 से 7 है, सबसे पहले अपन ने 3 से काटा इस 21 को, कितने टाइम्स आएगा 7 टाइम, फिर 7 से 7 को काट दिया कितने टाइम्स, मतलब केवल बच गया है 21 22 बच गया पहला वाला, ये लिख दिया 22, देन 21 बच गया, ये 21 लिख दिया, 42 बच गया 42, और 10 × 10 × 10 = 1000 कर लेंगे। अब जो भी आएगा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में लिख दीजिए, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 km/h थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 cm इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 50 m लॉन्ग 44 m वाइड, डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ द वाटर इन टैंक विल राइज बाई 7 cm। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए इसका हम सोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं क्वेश्चन आपको क्लियर करूँगा कि एक आपके पास टैंक है, ये टैंक बना लो आप। टैंक कैसा दिया है आपको, टैंक दिया गया है क्यूबॉइड, एक क्यूबिकल टैंक भी हो सकता है, बट ये कैसा टैंक है क्यूबॉइडल, माचिस की डिब्बी के जैसा पर थोड़ा बड़ा होगा, है समझ में आया सक्षम। ये टैंक है, टंकी होती नहीं घर की, ये टैंक है। टैंकी की लेंथ दी गई है 50 m। देखो भाई टैंकी की लेंथ कितनी है 50 m, तो 50 m अपने पास टैंक की लेंथ है। ये टैंकी की जो ब्रिथ दी गई है वो हमको दी गई है, वेट विथ दी गई है 44 m, ये 44 m है, ओके। अब इसके ऊपर एक पाइप आ रहा है, ये पाइप चल रहा है, इस पर पानी भर रहा है, पानी भरा 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 भरा, पानी कितना उठ गया इसमें, जो पानी का लेवल उठ गया है 7 cm, कितने सेंटीमीटर 7 cm, पानी भर करके। अब मैं आपको टैंक का बाहर की सरफेस दिखा रहा हूँ, केवल बाहर, आप कांच से झांक रहे हैं, सामने खड़े होके, तो आपको केवल इतना दिखाई देगा कि पानी यहाँ तक भर गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आप, मैं इधर बना दूंगा तो थोड़ा सा मे बी आपको प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं नहीं बना रहा था, है ना। ये पानी इतना भर गया तो आपको सामने से ये दिखाई देगा, ठीक है ना। तो टैंक में पानी कितना भर चुका है 7 cm, ओके। तो आप इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो, 1 m में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ये हो जाएगा 5000 cm। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4400 cm, दो आ गई ये और ये, अपने पास लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई। अब कह रहा है ये पानी भर गया इतना, 40 कितने सेंटीमीटर भरा है 7 cm, 7 cm पानी भर गया। तो आप देर ना करते हुए पानी का वॉल्यूम निकाल लो, क्या निकाल लो पानी का वॉल्यूम, क्योंकि पानी कितना भरा है उसकी अमाउंट निकाल लो, यहाँ तक पानी भरा हुआ है ना, आप पानी का वॉल्यूम निकाल लो। तो पानी का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, होता कि नहीं होता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है ये देखो, ये लेंथ ही तो है, तो 5000 ये हो गया, इंटू ब्रेथ कितनी है 4400, इंटू हाइट कितनी है 7 cm, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास आ चुकी है, क्लियर है। नाउ सॉल्व करो, 44 × 5 = कितना हो गया 220, 44 × 5
फाइव फोर ज़ा 20, कैरी आई टू फाइव फोर ज़ा 22, तो 220, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 220 और इसके बाद 1 2 3 4 5 0, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया पानी का वॉल्यूम। कितना आ गया पानी का वॉल्यूम, समझ में आया? ये पानी का वॉल्यूम आ गया इतना। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जो इस नल से रिलेटेड है, ये जो नल चल रहा है, समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक। अब दिया है कि जो पाइप में पानी आ रहा है उसकी लेंथ है, उसकी जो रफ्तार है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक आवर में 5 किलोमीटर पानी लंबाई में आ जाता है ना, 5 किलोमीटर पानी लंबाई में आ जाता है, ठीक है। तो भैया 1 आवर में 5 किलोमीटर पानी आ जाता है, इसका मतलब यदि हमने एक्स आवर तक टैंक को पानी भरा है, अगर हमारा इतना पानी एक्स आवर में भर गया है, तो एक्स आवर में जब एक आवर में 5 किलोमीटर, तो एक्स आवर में कितने एक्स, 5x किलोमीटर, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? 1 आवर में कितने किलोमीटर पानी चल लेता है, तो एक्स आवर में कितने किलोमीटर, 5x किलोमीटर पानी आ गया। मान लिया हमने एक्स आवर तक पानी भर गया, टैंक यहाँ तक आ गया, क्योंकि इन्होंने पूरा भरने को नहीं बोला, इन्होंने केवल इतना भरने को बोला है, इसलिए हमने वॉल्यूम यहीं तक का निकाला है। अगर पूरा भरने को बोला होता तो वॉल्यूम हम पूरे का निकालते, बट इन लोगों ने ये कहा यहाँ तक भरा है, ओके। तो 5x आवर में 5x किलोमीटर, तो इसको सॉल्व कर लूँ, मतलब एक्स आवर यदि आपका पंप चला है, मोटर चली है, तो पानी 5x, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, 5x इंटू 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, यस और नो? तो आंसर 5x, 5 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5x सेंटीमीटर पानी ट्रेवल होगा इसके अंदर से, एक्स आवर्स में इतने सेंटीमीटर पानी ट्रेवल होगा, ओके। अब पानी क्या लेके जाता, वॉल्यूम लेके जाता ना, पानी का वॉल्यूम, वॉल्यूम अंदर जाता है और वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। भाई ये पानी है, ये पानी क्या लेके, पानी किस में जाएगा, लेंथ में जाएगा, साथ में वॉल्यूम में जाएगा, पानी का वॉल्यूम ही तो जाएगा भाई। आप यहाँ से पानी गया तो आप क्या बोलोगे, कितने लीटर पानी गिरा है ना, यही तो बोलोगे ना, ये थोड़ा ना बोलोगे कितने मीटर पानी गिरा है। मतलब पानी हमेशा वॉल्यूम में जाता है, तो इससे कितना वॉल्यूम पानी निकला वो निकालो। तो ये है क्या, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच, एच मतलब पानी की हाइट, सिलेंडर की हाइट। तो फिलहाल एच की जगह कौन काम करेगा, एच की जगह काम करेगा ये वाली लेंथ। क्यों काम करेगा, क्योंकि इतना ही तो पानी आया है, तो पानी की हाइट की जगह ये वाली लेंथ काम करेगी, ठीक है ना। तो हम सॉल्व करते हैं, अब निकालते हैं हम पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, इधर यहाँ देखिए उत्कर्ष, वाटर आउटलेट, पानी निकाला हुआ पानी, बाई सिलेंड्रिकल पाइप, बाई सिलेंड्रिकल पाइप। तो सिलेंड्रिकल पाइप जो है कितना पानी निकालेगी, दैट इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है, इतना पानी निकालेगी। तो पाई इक्वल्स टू 22/7 आर स्क्वायर एच। भाई अपन को जो पाइप दिया गया है, उस पाइप की डायमीटर कितना दिया गया अपन को, पाइप का डायमीटर कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है, 14। तो रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 7 × 7 का स्क्वायर, आ रहा उत्कर्ष समझ में, 7 × 7 × पाइप की हाइट, पाइप की हाइट मतलब वही पाइप की लेंथ, अगर पाइप को ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टैंड कर दो तो वही हाइट बन जाती है, और ऐसे लेटा दो तो वही क्या बन जाती है, लेंथ। तो फिलहाल जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और कितना एक्स। तो ये हो गया आपके पास क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया उगला हुआ पानी, मतलब जितना पानी पाइप उगलेगा, और ये पानी किस में जाके भर गया है, इस टैंक में। तो गया हुआ पानी इक्वल टू भरा हुआ पानी, हाँ या ना, और भरा हुआ पानी किसके इक्वल है, इसके 220, और इसके बाद 1 2 3 4 5 0, तो देखिए इक्वल टू 220 इंटू
1, 2, 3, 4, 5 zeros. चलो जीरो कैंसिल करो, 1, 2, 3, 4, 5. तो इसको भी कैंसिल करो, 1, 2, 3, 4, 5. क्लियर? ओके, चलिए देखिए, ये है 7, 7 से 7 कैंसिल. देखो भाई आराम से, ठीक है ना, अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 जीरो थे, 5 के 5 जीरो कैंसिल हो गए. अब देखो अपने पास क्या बचा है, 22 इधर बचा, इंटू 7 बचा ये वाला, इंटू 5 बचा ये वाला, इंटू एक्स बचा इक्वल टू 220. इक्वल टू कितना? 220. समझ में आ रहा उत्कर्ष? ठीक है ना, इक्वल टू 220. अब देखो आपके पास क्या है, पाई 7 अपन ने रेडियस, ठीक है, 22 से 10 बार गया 220. 22 से कितने बार गया? 10 बार. क्लियर है? अब अपने पास कितना बच गया, 7 इंटू 5 इंटू एक्स इक्वल टू 10. क्लियर है? तो x इक्वल टू 10/75 आवर्स आंसर आएगा. सॉरी, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा. सो आंसर 10/35 आवर्स, ये इसका आंसर होगा. यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है. क्या मिस्टेक हुई है? यहाँ पर अपन ने इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, बट ये 7 को भूल गए. तो मल्टीप्लाइड भाई क्या लेना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर क्यूबिक. अब जब कंपेयर करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई भाई क्या लेना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 7. ओके, ये 7 लिख दो अच्छे से, 7 सॉल्व करेंगे तो 220 मल्टीप्लाइड बाई 7 यहाँ आएगा कितना, 10 मल्टीप्लाइड बाई 7. अब इसको मत देखो, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया, 5x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10/5 आंसर, 5 2 10 आंसर, x इक्वल्स टू 2, कितने आवर्स, 2 आवर्स. ठीक है ना, तो 2 आवर्स में ये इसको जितना बोला गया वहाँ तक फिल कर देगा. ठीक है.